हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। दोस्तों, आज हम सीखेंगे 2D एरे में कैसे हम एरे में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर इंसर्शन के बाद हम ये सीखेंगे कि जो सारे के सारे एलिमेंट जो हमने इंसर्ट किए हैं उनको कैसे हम आपस में ऐड कर सकते हैं और कैसे हम उनका एवरेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, हमें एक 2D इंटीजर एरे बनाना है 3x4 का, जिसमें 3 रोस रहेंगी और 4 कॉलम्स रहेंगे। उसके बाद हम उसमें वैल्यू इंसर्ट करना सीखेंगे। इंसर्शन तो हम वैसे पिछले वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको कहूँगा कि वो देखिए, क्योंकि उसमें हमने सीखा था कैसे हम एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्शन का कोड हमारा वही रहेगा। उसके बाद एरे के अंदर जब हम डेटा असाइन कर देंगे, 12 वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे, तो हम उन सभी 12 वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे और एडिशन के बाद हम उनका एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड की, एक एरे बना दिया। ये पिछला कोड है जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। एक हमने एरे बनाया 3x4 का, और उसमें मैंने ये 2 वेरिएबल्स बना दिए जो हम लूप के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अलावा इस बार हमें एडिशन करना है, तो एक सम नाम का वेरिएबल बनाया और शुरू में उसमें हमने 0 डाल दिया। ठीक है, ये हमने इंसर्शन सीखा था कैसे हम एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और इस बार मुझे वैल्यूज़ को डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे तो सम डिस्प्ले करना है, तो इस आउटपुट वाला जो पार्ट था उसको मैंने हटा दिया। अब ये वैल्यूज़ सारी इंसर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप इसी तरीके से फिर से लूप बनाओ, 2D मतलब नेस्टेड लूप बनाओ और उसके अंदर समेशन परफॉर्म करो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पे पहली वैल्यू ली और उसको सम कर दिया, फिर दूसरी वैल्यू ली और उसको सम कर दिया। तो आप चाहो तो अलग से नेस्टेड लूप बना के उसमें समेशन वाला कोड लिख सकते हो, या तो फिर आप इसी के अंदर समेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू इनपुट ली, और पहली वैल्यू इनपुट लेने के बाद जो भी हमने पहली वैल्यू ली वो कहाँ पे इंसर्ट होगी? ARR, I और J पे इंसर्ट होगी। तो ARR, I, J पे जो वैल्यू इंसर्ट हुई उसको हमने सम के साथ ऐड कर दिया, और जो रिज़ल्ट आया वो सम में असाइन कर दिया। फिर जो दूसरी वैल्यू हम लेंगे वो हमने ऐड कर दी सम के साथ, और सम वेरिएबल के अंदर असाइन कर दी। तो इस तरीके से क्या होगा, 12 वैल्यूज हम 1x1 इंसर्ट भी करते जाएंगे और उसको सम करते जाएंगे सम वेरिएबल के साथ, और रिज़ल्ट सम में असाइन करते जाएंगे। तो पूरी की पूरी 12 वैल्यूज़ का सम इसके अंदर आ चुका होगा। ठीक है, अब ये जब लूप ख़त्म होगा तो हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट हम बाहर करवाएंगे क्योंकि सम मुझे एक बार प्रिंट करवाना है। अंदर प्रिंट करवा दिया, यहाँ प्रिंट करवा दूंगा अगर मैं, तो 12 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो इंटरमीडिएट सम सम आते जाएगा वो 12 बार आप देखोगे प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट हमें एक ही बार करना है, तो लूप के बाहर आके मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैंने मैसेज दिया सम इज परसेंटेज डी कॉमा सम। ठीक है, तो जो सम हमारा आया उसको हमने इस वेरिएबल के अंदर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमने सम प्रिंट करवा दिया, अब हम एवरेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने एक और प्रिंट एफ यूज़ कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक स्लेशन लगा दिया न्यू लाइन के लिए। यहाँ मैंने मैसेज दे दिया एवरेज इज, अब एवरेज की वैल्यू जो रहेगी वो पॉइंट में आ सकती है क्योंकि डिवीज़न हम करेंगे, तो परसेंट एफ ले लेते हैं फ्लोट के लिए। अब जो भी हमारा सम आया उसको हम डिवाइड कर देते हैं 12.0 से। 12.0 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज़ कितनी है, 12 वैल्यूज़ हम इसमें रख पाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसको 12.0 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा एवरेज भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूस असाइन कर दी। ठीक है, तो ये 12 वैल्यूज़ मैंने 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में या जो भी वैल्यूज़ आपको देनी है आप दे सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका सम भी आ गया और एवरेज भी आपको शो हो रहा है 6.500। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा कि कैसे हम एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के बाद उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यूज़ क्या किया, हमने उन सारी वैल्यूज़ को लिया और आपस में ऐड करके रिज़ल्ट शो कर दिया और साथ ही साथ हमने सम एवरेज भी फाइंड किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।